वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पर बीटेक, बी फार्मेसी, बीएससी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूं। आज बीटेक के लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छे से आपको फॉर्मूला याद रहेगा, आप उतने अच्छे से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को बना सकते हैं। जैसे कि इसका बेसिक फॉर्मूला ही मैं बताया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, मैं आपको बेसिक फॉर्मूला बताया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या होता है कि यदि किसी फंक्शन एफ टी का आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो वो एफ डैश एस होता है, टी को एस में चेंज कर देता है। तो जैसे ही आप एल को लाप्लास का साइड चेंज कीजिएगा तो ये लाप्लास इनवर्स हो जाएगा। लाप्लास इनवर्स एस फंक्शन का निकलता है, एस का निकलता है, जो एस को टी में चेंज कर देता है, एस को टी में चेंज करता है। ये क्या लाप्लास क्या करता है, टी को एस में चेंज करता है और इनवर्स लाप्लास जो है एस को टी में चेंज करता है। ठीक है, तो इसका रिसिप्रोकल प्रोसेस है, इसकी जस्ट उल्टी प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप लाप्लास निकाले हैं उसका जस्ट आप उल्टा कर देंगे तो आपको इनवर्स लाप्लास मिल जाएगा। तो ये क्या होता है कि आपने लाप्लास के जितने भी फॉर्मूले को पढ़े हैं, पूरे फॉर्मूले से, पूरे फॉर्मूले को एक बार लिख लीजिए और उसका इनवर्स लाप्लास आप निकालते रहेंगे तो इस तरीके से आपको इनवर्स लाप्लास समझ में भी आ जाएगा और फॉर्मूला भी याद आ जाएगा। यदि नहीं भी याद आएगा तो यदि मान लीजिए कि लाप्लास का फॉर्मूला आपको याद है तो इनवर्स लाप्लास का फॉर्मूला बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अपन कैसे बनाएंगे, और जितना अच्छे से आप फॉर्मूला को याद रखेंगे उतना अच्छे से आप इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन कैसे निकालेंगे। मैं इस तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखूंगा और इस तरफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला इससे इवेल्युएट करूंगा, इसी से बनाऊंगा। देखिए कैसा होगा, आपको याद होगा लाप्लास ऑफ वन इज इक्वल्स टू वन बाई एस होता है, तो एल को आप उधर ले जाइए तो ये लाप्लास इनवर्स हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला हो जाएगा एल इनवर्स वन बाई एस, वन बाई एस इक्वल्स टू वन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला था एल टी टू द पावर एन इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल एस टू द पावर एन प्लस वन। तो इसको क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसका लाप्लास नहीं निकालते, ये हो जाएगा एल इनवर्स वन अपॉन एस टू द पावर एन का निकालते हैं, एस टू द पावर एन प्लस वन का नहीं निकालेंगे क्योंकि एन यहाँ नंबर है, एक एक कम कर देंगे, एन प्लस वन है तो यहाँ मैं केवल एन का निकाल रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइड चेंज होगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो एन की जगह में एन माइनस वन रखना है आपको, एन माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ एस टू द पावर एन का बना रहा हूँ, एक कम कर दिया तो यहाँ से एन माइनस वन फैक्टोरियल, क्योंकि कांस्टेंट का अपन निकालते नहीं है इनवर्स लाप्लास, इसको इधर ले आया और ये हो जाएगा टी टू द पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी, इसका आप क्या लिखते थे वन अपॉन एस माइनस ए, तो इसका लाप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस माइनस ए इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ए टी, ये हो जाएगा। ठीक है, चौथा फॉर्मूला जो है लाप्लास ऑफ साइन ए टी, साइन ए टी का आप लाप्लास कैसा निकालते थे, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यह कांस्टेंट है इसका लाप्लास इनवर्स अपन नहीं निकालेंगे, एल को इधर ले जाएंगे तो ये लाप्लास इनवर्स निकलेगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा कर देंगे तो यहाँ से जो ए है ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा वन अपॉन ए साइन ए टी। उसी प्रकार से लाप्लास कॉस ए टी का फॉर्मूला आप याद किए हैं, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी, इसका क्या फॉर्मूला आप याद किए हैं, एस अपॉन
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो लाप्लास इनवर्स यहाँ इधर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, तो हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। ये एल इनवर्स इधर जाएगा, एस है तो एस का लाप्लास इनवर्स निकलेगा, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा कॉस ए टी, ये हो जाएगा, ठीक है। सिक्स नंबर में आपने निकाला था लाप्लास ऑफ साइन एच ए टी, तो साइन एच ए टी का क्या हो जाएगा, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, ए का निकलेगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइड चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन ए साइन एच ए टी, ये हो जाएगा, ठीक है। सेवन में क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ कॉस एच ए टी, ये क्या है, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सेवन फॉर्मूला हो जाएगा एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस एच ए टी, ठीक है। और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, तो आप ना जितने भी फॉर्मूलेज हैं उसको लाप्लास के फॉर्म में आप याद कीजिए और उसका जस्ट ट्रांसफ़र करते जाइए, लाप्लास का साइड चेंज करेंगे तो इनवर्स लाप्लास निकलते जाएगा। ऐसे दो चार बार आप अपनी कॉपी में लिखिए तो आपको इनवर्स लाप्लास के पूरे फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे, और इनवर्स लाप्लास का फॉर्मूला जितने अच्छे से आपको याद होगा आप उतने अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए कुछ और फॉर्मूला जो शिफ्टिंग फार्मूला के साथ पढ़े थे उसका भी इनवर्स लाप्लास मैं निकाल के बताता हूँ, इतना को आप देख लीजिए अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं और कुछ फॉर्मूला बताता हूँ इनवर्स लाप्लास वाली, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। चलिए अब फर्स्ट शिफ्टिंग फार्मूले में क्या क्या पढ़े थे और प्रोडक्ट ऑफ टी वाले फंक्शन का, तो उसका भी इनवर्स लाप्लास अपन निकाल करके देखते हैं। चलिए हमने जो शिफ्टिंग फार्मूला पढ़ा था उसका भी इनवर्स लाप्लास अपन निकाल करके देखते हैं क्या होता है। सेवन फार्मूलेज ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, ये फार्मूला नंबर एट है, लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी साइन बी टी, ये फर्स्ट शिफ्टिंग फार्मूला है क्योंकि यहाँ ई टू द पावर ए टी का मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका आप लाप्लास इनवर्स निकालेंगे, इसका साइड इधर चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन, ये हो जाएगा वन अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये साइड चेंज हुआ तो बी इसके नीचे में आ जाएगा वन बाई बी, और ये हो जाएगा ई टू द पावर ए टी साइन बी टी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। नाइन्थ नंबर में हमने पढ़ा था एल ई टू द पावर ए टी कॉस बी टी, तो इसमें क्या पढ़े थे अपन, ये हो जाएगा एस माइनस ए, ये हो जाएगा एस माइनस ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका लाप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा, एल का साइड चेंज कीजिए तो ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ए टी कॉस बी टी, ये आपको निकल जाएगा, ठीक है। और क्या पढ़े थे आप फॉर्मूला नंबर टेन में, एल टी साइन ए टी, इसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, टू ए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये आपके पास था एक फॉर्मूला, टी का जब मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी टू द पावर एन का, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन का निकलता नहीं है तो हो जाएगा एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू ए टी साइन ए टी,
ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, 1/2 a टी साइन ए टी मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए एल टी कॉस ए टी का क्या फॉर्मूला आपने निकाला था, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसका यदि आप लाप्लास इन्वर्स निकालना चाहेंगे तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ सभी फंक्शन एस में है तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू टी कॉस ए टी, ठीक है। एक फॉर्मूला टी टू द पावर एन का है, 12 नंबर का, एल ई टू द पावर ए टी टी टू द पावर एन। तो ई टू द पावर ए टी टी टू द पावर एन का आपने क्या पढ़ा था, एन फैक्टोरियल, और यहाँ से एस माइनस ए और ये हो जाएगा एन प्लस वन, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें क्या है, कांस्टेंट फंक्शन को अपन हटा देते हैं तो ये हो जाएगा एल का ट्रांसफर इधर कीजिएगा तो ये हो जाएगा एल इनवर्स, ये हो जाएगा 1/ एस माइनस ए टू द पावर एन का निकालते हैं तो एन की जगह में सिंपली एन माइनस वन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/ एन माइनस वन फैक्टोरियल और ये हो जाएगा ई टू द पावर ए टी और ये हो जाएगा टी टू द पावर एन माइनस वन। तो जितने भी फॉर्मूले आपने लाप्लास में पढ़ा है उसको आप अपनी कॉपी के एक साइड में लिख लीजिए और उसकी हेल्प से आप उसका इन्वर्स लाप्लास लिखना स्टार्ट कीजिए ताकि कभी भी आप इन्वर्स का फॉर्मूला आपको याद ना आए तो आप इसके थ्रू बना सकते हैं, इस फॉर्मूले लाप्लास के फॉर्मूले के थ्रू आप इसको बना सकते हैं तो एक साथ आपको दो दो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो जितने अच्छे से आप फॉर्मूला निकालेंगे, जितने अच्छे से फॉर्मूला ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद होगा तो आपके लिए उतनी ज़्यादा सहूलियत होगी। चलिए इसके ऊपर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस प्लस टू अपॉन एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस थर्टीन, इसका इनवर्स लाप्लास निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन अपन कैसे देंगे, वी हैव टू फाइंड क्या निकालना है अपने को, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस प्लस टू अपॉन एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस थर्टीन। इसको क्या कीजिए, कंप्लीट स्क्वायर में तोड़ लीजिए। देखिए ये क्या है, एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस थर्टीन, तो इसको ना मैं क्या करता हूँ, कंप्लीट स्क्वायर में तोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा, देखिए पहला में ए स्क्वायर माइनस टू ए, बी की जगह में यहाँ क्या लिखा होगा टू, ये है एस माइनस टू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए, बी की जगह में टू प्लस बी स्क्वायर फोर आ जाएगा, है ना, प्लस थर्टीन। तो यहाँ पास अपने पास तो फोर है नहीं, यहाँ अपने पास तो केवल ये है एस स्क्वायर माइनस फोर एस, इतना ही है ना, यहाँ प्लस फोर अपन एक्स्ट्रा ला रहे हैं तो माइनस फोर करना पड़ेगा, प्लस थर्टीन आ जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए ये फोर कैंसिल हो जाएगा तो एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस थर्टीन ही बचा रहेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस थर्टीन है, यहाँ मैं प्लस फोर माइनस फोर कर दिया, इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये कम्प्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा एस माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। और 13 में से 9 गया तो 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा ये, ठीक है। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा एल इनवर्स, ये हो जाएगा एस प्लस टू और ये हो जाएगा एस माइनस टू का स्क्वायर प्लस 9, ये ऐसा हो जाएगा, या एल इनवर्स ये हो जाएगा एस प्लस टू, ये हो जाएगा एस माइनस टू का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है।
तो अब अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आप फॉर्मूला जो पढ़े हैं अभी अभी उसके अकॉर्डिंग, अभी अभी जो अपन फॉर्मूला पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, एल इनवर्स, आप डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है, एस माइनस टू का स्क्वायर, तो इसको भी एस माइनस टू बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको एस माइनस टू बना दिया, तो एस माइनस टू कब होगा, जब यहाँ पास प्लस फोर लिखूंगा, फोर माइनस टू टू ही बचेगा, तो इसको एस माइनस टू बनाया इसको देख करके, डिनोमिनेटर को देख करके, तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एस माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, ठीक है। अब जो है इसका भी अपॉन ये है, इसका भी अपॉन ये है, तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, एल इनवर्स ये हो जाएगा एस माइनस टू, ये हो जाएगा एस माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, और प्लस फोर कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा एल इनवर्स, इसके साथ एल इनवर्स अलग लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा फोर को कॉमन निकाल लिया, वन अपॉन एस माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर। यहाँ पास एक फॉर्मूला काम करेगा, वी नो दैट एल इनवर्स एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, क्या होता है ये e के फॉर्म में आ जाता है, e टू द पावर ए टी कॉस बी टी, ये कॉस बी टी का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एंड एल इनवर्स वन अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन बाई बी, ये हो जाएगा e टू द पावर ए टी साइन बी टी, ये वाला फॉर्मूले का अपन यूज़ करेंगे अभी जो अपन फॉर्मूला पढ़े हैं। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर टू टी, और ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर टू टी, और ये क्या हो जाएगा cos 3t, और ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 बाई बी, बी की जगह में क्या है 3, 1 बाई थ्री ई टू द पावर ए टी मतलब 2t, और ये हो जाएगा साइन 3t, ये आ जाएगा, ये आपका आंसर आया ई टू द पावर 2t cos 3t प्लस 4 बाई थ्री ई टू द पावर 2t साइन 3t। तो केवल अपन फॉर्मूला का यूज़ करके ही ना इनवर्स फंक्शन निकाल लिए, है ना। तो आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में कैसा सेट है, डिनोमिनेटर को सेट करके उसी के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर को अपन बना चेंज करेंगे, या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ताकि वो किसी न किसी फॉर्मूले में आ जाए, ठीक है। ये इसका आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेकर के देखते हैं। देखिए एक और प्रॉब्लम है, ये इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हो सकता है, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस स्क्वायर माइनस थ्री एस प्लस फोर अपॉन एस क्यूब। तो इसका लाप्लास, इनवर्स लाप्लास निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए वी हैव टू फाइंड अपने को क्या निकालना है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस थ्री एस प्लस फोर अपॉन एस क्यूब। ये सभी के डिनोमिनेटर में है, इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, एल इनवर्स एस स्क्वायर अपॉन एस क्यूब माइनस थ्री एस अपॉन एस क्यूब और प्लस फोर अपॉन एस क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हो। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा, एल इनवर्स एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा वन बाई एस माइनस थ्री, और s कैंसिल हो जाएगा तो ये थ्री बाई एस स्क्वायर बचेगा प्लस फोर बाई एस क्यूब बचेगा। अब लाप्लास इनवर्स सभी के साथ अलग अलग कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, लाप्लास इनवर्स वन बाई एस माइनस थ्री कॉन्स्टेंट है, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर फोर कॉन्स्टेंट है, तो लाप्लास इनवर्स ये हो जाएगा वन अपॉन एस क्यूब। और अपने पास एक फॉर्मूला है, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस टू द पावर एन का, एस टू द पावर एन का लाप्लास क्या होता है, लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल टी टू द पावर एन माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कीजिए।
ये तो डायरेक्ट वन का रिजल्ट है, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन बाई एस इक्वल्स टू वन, ये वन हो जाएगा, माइनस थ्री, ये इस फॉर्मूले में आप डालिए इसको तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू माइनस वन फैक्टोरियल, तो ये वन फैक्टोरियल हो जाएगा और टी टू द पावर टू माइनस वन हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा फोर, यहाँ थ्री डालिए एन के जगह में तो ये हो जाएगा थ्री माइनस वन मतलब टू फैक्टोरियल हो जाएगा, ये टी थ्री माइनस टू हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, हो जाएगा वन माइनस थ्री, वन का फैक्टोरियल वन ही होता है, ये हो जाएगा टी, टू माइनस वन टी ही हो जाएगा, ये टू टू ज़ा फोर, ये प्लस टू और टी, ये कितना है एन माइनस वन है, ये है ना थ्री माइनस वन, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी था। तो फॉर्मूला मेथड से अपन इन्वर्स लाप्लास कैसे निकालते हैं, केवल अपने को यही चीज़ समझना था। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना। इसके बाद मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से बताऊंगा, कॉन्वॉल्यूशन मेथड से बताऊंगा, अदर फॉर्मूला मेथड से बताऊंगा, है ना। लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए, जो डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस प्लस थ्री का होली स्क्वायर प्लस फोर। इसका अपने को लाप्लास इनवर्स निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या देंगे, वी हैव टू फाइंड अपने को क्या निकालना है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर, है ना। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, एल इनवर्स एस अपॉन एस प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्म में फॉर्मूला रहता है। अब देखिए यहाँ जो डिनोमिनेटर में एस के साथ है ना, वो चीज़ यहाँ ऊपर में भी होना चाहिए, तब वो फॉर्मूला के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ एस प्लस थ्री है, तो मेरे को यहाँ एस प्लस थ्री लाना है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एल इनवर्स इसको s प्लस थ्री लिख दिया और माइनस थ्री कर दिया, ठीक है, ताकि ये s प्लस थ्री आ जाए और ये हो जाएगा s प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार इसके साथ डिनोमिनेटर को लेंगे l इनवर्स s प्लस थ्री और ये हो जाएगा s प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, और एक बार इसके साथ लेंगे माइनस थ्री, तो कांस्टेंट है, एल इनवर्स वन अपॉन एस प्लस थ्री का स्क्वायर और ये प्लस टू का स्क्वायर, ऐसा ले लेंगे। और यहाँ अपन जानते हैं अपने पास फॉर्मूला है, एल इनवर्स एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ए टी कॉस बी टी। ये आपके पास एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला ये है कि एल इनवर्स वन अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन बी ई टू द पावर ए टी साइन बी टी। इस फॉर्मूले का अपन यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ माइनस होना चाहिए, है ना, यहाँ प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, e टू द पावर माइनस थ्री टी का, है ना। s माइनस ए की जगह में माइनस ए है तो प्लस ए हो जाता है, प्लस ए रहेगा तो यहाँ माइनस ए हो जाएगा, है ना। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ए है, यहाँ प्लस ए रहेगा तो यहाँ माइनस ए हो जाएगा, e टू द ए की जगह में थ्री है तो e टू द पावर थ्री टी कॉस बी की जगह में क्या है टू, तो ये हो जाएगा टू टी माइनस थ्री, बी की जगह में क्या है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बी की जगह में यहाँ पास क्या है टू, वन बाई टू e टू द पावर क्या लगेगा यहाँ माइनस थ्री टी और ये हो जाएगा बी की जगह में टू टी है साइन टू टी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, e टू द पावर माइनस थ्री टी को आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, ये कॉस टू टी माइनस थ्री बाई टू
साइन 2t, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए आप जितने अच्छे से फॉर्मूला बनाएंगे उतना अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आज आपको फॉर्मूला, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वो समझ में आ गया होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बनाने आ गया होगा, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, कुछ क्वेश्चन आपको समझाया है फॉर्मूला मेथड से, ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।